हो उसकी स्तुति और आराधना, हो उसकी महिमा, हो उसकी प्रशंसा, क्योंकि उसके सिवाय कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, सब गाए, हो जय जयकार, जय जयकार से बचाता। भरोसा तो कभी ना डिगेगा, हाँ, इस पर जिसका भरोसा।
Yes, yes. धन्य हो प्रभु यीशु का नाम. हालेलुया. जय बोलो यीशु मसीहा की जय. बोलो जय बोलो यीशु मसीहा. यीशु की जय बोलो यीशु मसीहा की जय. ओ जय 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 बोलो यीशु मसीहा की जय. बोलो लाजर को जला दिया यीशु ने. लाजर को जला दिया यीशु ने. हाँ, कोड़ी को चंगा किया ये. वचन हमें इस बात को सिखाती है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम यीशु की महिमा को और यीशु के प्रेम को अपने जीवनों के द्वारा हम प्रकट करेंगे. जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर श्वास है, हम इस यीशु की प्रशंसा अपने होठों से, इस यीशु की महिमा अपने जीवन से और इस यीशु के प्रेम को अपने कार्यों के द्वारा हम प्रकट करें. ये हमें वचन सिखाती है. हालेलुया. क्योंकि एक दिन बहुत जल्द आने वाला है जब मसीह यीशु बादलों में आएगा और वो समय होगा जब जितने यीशु के साथ एक निकट रिश्ता और संबंध बनाए हैं वे सब उठा लिए जाएंगे बादलों पर और वे यीशु के संग संग होंगे. हालेलुया. और यही हमारी जीवित आशा है. इस जीवित आशा को हम घोषित करते हैं कि यीशु आने वाला है. हालेलुया. मेरा प्रभु आने वाला है. बादलों में तुरही बजेगी. मेरा प्रभु आने वाला है.
भी शामिल होंगे फरिश्तों के साथ, दुखियों का सहारा है वो, संकट में सच्चा साथी वो, दुष्ट शक्ति को संभालेगा मुझे बाहों में, तोड़ेगा वो दुष्ट शक्ति को संभालेगा मुझे बाहों में। सियोन पुत्री मगन हो, जय जय गीत गाते जा, सियोन पुत्री मगन हो गीत गाते जा, क्योंकि यीशु राजा आने वाला है। विश्वास है मेरा प्रभु आने वाला है, बादलों में धुनी बजेगी, मेरा प्रभु आने वाला है, बादलों में धुनी बजेगी, आसमान में गूंजेगी फरिश्तों की जय जयकार, आसमान में गूंजेगी फरिश्तों की जय जयकार, मैं भी शामिल होऊंगा फरिश्तों के साथ, शामिल होऊंगा फरिश्तों के साथ, आसमान में गूंजेगी फरिश्तों की जय जयकार, मैं भी शामिल होऊंगा फरिश्तों के साथ, मैं भी शामिल होऊंगा फरिश्तों के साथ। हालेलुया, यही तो हमारी आशा है, यही वो धन्य आशा है जो आपको और मुझे यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। एक दिन हम यीशु के संग हम होंगे, लेकिन जब तक वो दिन ना आए तब तक आपको और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम यीशु के सुसमाचार को इस संसार के लोगों तक हम पहुंचाएं। वे लोग जो अंधकार में जी रहे हैं, इस बात को नहीं जानते हुए कि वे अंधकार में भटक रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक रोशनी चमकना है, वो यीशु की रोशनी जो आपके जीवन के द्वारा मेरे जीवन के द्वारा चमके, वो रोशनी चमकना जरूरी है। परमेश्वर पिता स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे पूछता है, कौन है जो जाएगा मेरी ओर से, कौन है जो इस संदेश को इन लोगों तक पहुंचाए, कोई ऐसा है जो इस प्रकार का जवाब दे, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। अपने हाथों को उठाकर गाए, मैं सच्चाई से तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर,
प्रभु यीशु आज की सुबह जबकि हम आपकी उच्चारण पे खड़े हैं इस बात को अंगीकार करते हुए कि यदि हम जीवित हैं तो केवल इसी कारण कि आपकी कृपा हम पर बनी हुई है इस बात को अंगीकार करते हुए कि आप ही हैं जिन्होंने हमें ये नया सवेरा दिखाया है 24 नवंबर 2019 हमारे लिए इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आपने अपनी कृपा से हमें ये दिन दिखाया है इस बात को अंगीकार करते हुए जबकि हम यहां पर खड़े हैं आपके चरणों पे होने दे कि हम किसी और बात पर गर्व ना करें सिवाय इसके कि हम आपके अनुग्रह के आपकी दया के प्राप्त करने वाले लोग हैं और इसीलिए जबकि हम इन सब के बदले आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं क्या दे सकते हैं क्या ला सकते हैं आपके लिए सिवाय अपने संपूर्ण जीवन को जो कि हम समर्पित करते हुए कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मेरे जीवन से मेरे जीवन भर मेरे जीवन से आप अपनी महिमा को लो यही हमारी प्रार्थना है एक बत्ती के समान हम जलते रहें और हमारी चाहत आप जानते हो इसमें कितनी सच्चाई है आप ही हैं जो जांचते हैं हर मनुष्य को होने दे हम में से किसी के जीवन में इस बात की कमी ना होने पाए इस बात की कमी ना होने पाए ओ प्यारे प्रभु मेरे जीवन से आपकी रोशनी चमकने पाए आप आकर हमारे जीवन में बसो हमारे मन में वास करो ताकि हमारे चेहरे से आप ही की रोशनी चमकने पाए हमारे बातों से आप ही की खुशबू फैलने पाए हमारा जीवन बने आपका एक सिंहासन पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को आप आज की सुबह देख रहे हो हमारी प्रार्थना यह है कि आप इस स्थान से इस कलीसिया से आप अपनी महिमा कर लो आदर और महिमा आपको देते हुए हालेलुया यीशु के नाम में आमेन आमेन